प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो सशक्त और बहादुर महिलाएं। जहां एक तरफ आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और दबंग वकील नाजी अली खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। नमस्कार नाजिया जी, जय श्री राम। नमस्कार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और आपके देखने वाले जो यूट्यूबर्स परिवार हैं उनको, व्यूअर्स को, सबको नाजिया इलाही खान की तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। पर ये बताइए कि आपके राज्य में हो क्या रहा है, मतलब ममता बनर्जी तो भविष्य वेता बन गई है, जो कुछ उन्होंने मुर्शिदाबाद में कहा वही सब कुछ हो गया। हाँ जी, और मुर्शिदाबाद में ही हुआ, ये भी मानने वाली बात है कि मुर्शिदाबाद में उन्होंने कहा और मुर्शिदाबाद में ही हुआ। ईद की नमाज में उन्होंने कहा, मुसलमानों के भीड़ में कहा और मुसलमानों ने ही किया। तो बहुत सारी चीजें जो है वो मैच कर रही है। आती है बात कि श्रीमती ममता बनर्जी जो है उन्होंने मुसलमानों को ललकारा था ईद की नमाज से सर पर ओढ़ना रख करके, और उन्होंने कहा था कि कोई दंगा करने आएगा मुसलमानों तो ठंडा ठंडा कूल कूल रहना। लो भैया, अब मैं फिर बोलूंगी कि लुंगी बड़ा आराम का कपड़ा है, तो लोग बड़ा हंसने लगेंगे और फिर कहने लगेंगे नाजिया जी आप लुंगी लुंगी क्यों करती हैं। लुंगी वाकई में अंजू जी बड़े आराम का कपड़ा है। लुंगी उठाओ बलात्कार कर लो, लुंगी उठाओ किसी को हिफ्ट इस कर लो, लुंगी गिराओ और उसमें पत्थर जमा कर लो, लुंगी उठा करके अंदर में वैलेट बॉक्स छुपा लो। तो लुंगी बड़े आराम का कपड़ा है, जो मुसलमान बड़े बड़े मोहब्बत से पहनते हैं उसको। तो लुंगी वालों ने, शांति प्रियों ने और लिब्रांडो की फौज ने, ये शब्द आपका है पर मुझे बहुत पसंद आया है कि लिब्रांडो की फौज ने आकर अपनी हरकत को दिखा ही डाला। अब देखिए, एक महीना रमजान कितनी शांति से, कितने सुकून से, कितनी मोहब्बत से फैल फैल करके मुसलमानों ने पश्चिम बंगाल में मनाया। उसके बाद फिर एक महीना रमजान से 12 दिन पहले शबे बारात और शबे कदर होता है, तो शबे बारात और शबे कदर में पूरी रात जो है मुसलमान लौंडे वो सर पे टोपे रख करके बिना हेलमेट के बाइक का भगदड़ मचाते रहते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, लड़कियों का आंख से बलात्कार करते रहते हैं, ईव टेस करते रहते हैं शबे कदर की रात को, शबे बारात के रात को, वो भी उन्होंने सुकून से किया। उसके बाद फिर रमजान के मौके पर 4-5 जुमा होता है, 4-5 जुमा रोड पर धड़ल्ले से नमाज हुई, पर एक पत्थर तो क्या, एक बालू तक नहीं गिरा किसी के शरीर पर। उसी बीच में आप देखिए होली का त्योहार भी मना। मैंने खुद 3-3 होली का त्योहार मनाया, लेकिन कितनी खूबसूरती से, कितने आराम से होली का त्योहार मना कि किसी भी मुसलमान के रमजान में कोई आपत्ति और कोई दिक्कत नहीं नजर आई। और एक दिन, सिर्फ एक दिन राम भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली, सिर्फ एक दिन राम भक्तों ने राम की ऊर्जा, राम की तपस्या और राम की आस्था पर बाहर निकल करके जय जय श्री राम बोला। जैसे ही एक दिन गेरवा झंडे में भगवान राम के चित्र दिखाई दी, बस लग गया मुसलमानों को बुरा और कर दिया उन्होंने अल जिहाद और बना दिया मुर्शिदाबाद की धरती को पाकिस्तान, पाकिस्तान का रोड बन गया। अब बात आती है कि श्रीमती ममता बनर्जी को जब पहले पता था, इनपुट था कि भगदड़ होने वाला है, तो भगदड़ अगर राम भक्त करवाने वाले थे तो भी उनको डिटेन करना चाहिए था, और अगर मुसलमान करवाने वाले थे तो भी उनको डिटेन करना चाहिए था। एक राज्य के मुख्यमंत्री का काम यही होता है, और वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो पुलिस मंत्री भी है। और हर साल की तरह इस साल भी राम भक्तों पर अत्याचार और आक्रमण हो करके ही रहा। श्रीमती ममता बनर्जी ने ईद से 4-5 दिन पहले अपने भाषण में कहा था कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा उसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा।
दुर्गापुर के मंच से 2023 में श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जिहाद होगा, जिहाद। ईद के दिन रेड रोड के मंच से उन्होंने कहा था कि सीएए कोरते देबो ना, एनआरसी कोरते देबो ना, यूसीसी कोरते देबो ना। अच्छा, यूसीसी करने नहीं देंगी? क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि वो सबको एक समान देखना चाहती है। अब ये तो हंसने की बात है ना कि आप कॉमन लॉ नहीं लाने देंगे क्योंकि आप सबको एक समान देखना चाहती है। तो श्रीमती ममता बनर्जी ने जो चिंगारी लगाई थी वो चिंगारी भड़कती हुई नजर आई। और कहने को श्रीमती ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हो चुकी हैं, पर वो कांग्रेस से अलग नहीं हुई हैं। आज सुबह से कई नेशनल चैनल्स पर मेरा फोनो भी था और मैं डिबेट पर भी थी, और उसमें अधीर रंजन चौधरी की मैंने एक स्टेटमेंट सुनी कि ये जानबूझ करके स्ट्रेटेजिकली हुआ है। तो भैया, आप कहां पर व्यस्त थे? आप कहां पर व्यस्त थे? श्रीमती ममता बनर्जी तो 15 दिन से लोगों को बता ही रही थी, मुसलमानों को, कि भाई दंगा वाले आएंगे, दंगा करेंगे, लेकिन नमाज में नहीं करेंगे। हिंदू दंगाबाज हैं, ये श्रीमती ममता बनर्जी बता रही थी, लेकिन नमाज में नहीं करेंगे दंगा। वो रमजान में नहीं करेंगे, वो मुहर्रम के जलसा जुलूस में नहीं करेंगे, वो ईद मिलादुन नबी पे नहीं करेंगे, वो इफ्तार पे नहीं करेंगे। मतलब हिंदू इतने बेवकूफ है कि वो अपने रामनवमी पे ही करेंगे। तो जब ये बता रही थी तो अधीर रंजन चौधरी साहब, आप मुंह में क्या लेकर बैठे थे और कान में क्या लेकर बैठे थे जो आप कलकत्ता हाईकोर्ट नहीं गए? आपने कलकत्ता हाईकोर्ट में जाकर के नहीं बोला कि मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने इतने भड़काऊ भाषण दिया है और इस भाषण के खिलाफ एक एसआईटी कमेटी बैठनी चाहिए, और इनपुट इनको कहां से आया है ये मुख्यमंत्री से जानना बहुत जरूरी है, और ऐसे लोगों को डिटेन करना बहुत जरूरी है। अब जानना यह भी है कि गुजरात से आया हुआ बोईरोगो तो बाहर का व्यक्ति यूसुफ पठान, जो अधीर रंजन चौधरी के ऑपोजिट में खड़ा हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैंडिडेट बन करके, वो भाई साहब कहाँ है? वो अपनी अहलिया बीवी का हिजाब का प्रमोशन में व्यस्त है, घूमने फिरने में व्यस्त है, नमाज और अजान में अपने अपने पिता अपने अब्बू जान के साथ व्यस्त है। तो यहाँ जो कैंडिडेट बने हैं आप मुर्शिदाबाद के, वो कौन देखेगा? आप उनकी अभी तक कोई टिप्पणी या कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है? वो ग्राउंड पर क्यों नहीं दिखाई दिए हैं? दूसरी चीज मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि मुर्शिदाबाद में जो शोभा यात्रा निकल रही थी जी, पुलिस की परमिशन से निकल रही, पूरी पुलिस की अनुमति थी, पुलिस का परमिशन था, परमिशन लेटर साथ में लेकर के लोग निकल रहे थे। शक्तिपुर से जैसे ही वो शोभा यात्रा गुजरने लगी, मस्जिद और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस एक साथ एक ही दीवार पर चिपका हुआ था, और मस्जिद के छत से और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के छत से सिर्फ लुंगी से पत्थर नहीं, लुंगी के अंदर से बम भी गिर रहा था, और उसी बमबारी के चक्कर में 20 लोग इंजर्ड हो गए। 20 लोग, आग लगी है कई जगह पर, कई घरों में आग लग गया है, कई बाइक और मोटर बाइक साइकिल में आग लगा है, कई गाड़ियों में आग लगा है, कई टायर्स में आग लगा है, और 20 लोग पता नहीं बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। वैसे एक चीज और भी मानने वाली बात है अंजू जी, कि ओवर द पीरियड ऑफ 2 decades 40 communal right ऑलरेडी हो चुका है वेस्ट बंगाल में। और ये कब हुआ है? ये ममता बनर्जी की राज जब से आई है तब से हुआ है, मात्र 12 साल में। श्रीमती ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश का कल्चर, बांग्लादेश का जो एक औरा होता है, बांग्लादेशी जो एक सभ्यता होती है, उसको यहाँ पर वो प्रमोट। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन और उनका बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे भारत की बेटी नाजिया लाई खान जी ने न सिर्फ लिबरांडों को बल्कि लुंगी छापों से लेके जिहादियों को भी आड़े हाथों लिया, और ममता सरकार की भी पोल खोली और सीधा सीधा ममता सरकार पे हमला बोला। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद।